चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देख कैसा लग रहा है? कई बार ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत डराती है ना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आप जानते हो तो क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा देख के लग रहा है फर्स्ट लुक में काफ़ी डरावना है, जबकि सबसे आसान है। कॉस 2x का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, 1 - 2 sin² x होता है, तो ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, कट जाएगी, और बचेगा क्या आपका 1 cos² सिर्फ बचेगा, sec स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव सीधे होता है 10x होता है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए अपने ऊपर और थोड़े फॉर्मूले कम से कम पता होने चाहिए हमें, क्योंकि ओवरऑल हम लोग क्या है, मैथ के स्टूडेंट है, बायो के तो है नहीं। तो 1 - 2 sin² x और प्लस क्या हो गया 2 sin² x, तो ये आपका cos 2θ का फॉर्मूला है ना। प्लेस कर दिया आपने साइन के टर्म में, हालांकि तीन फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे हमने साइन वाला रखा है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा 1 बचा सिर्फ ऊपर, और 1 cos², उसे क्या लिख लेंगे हम लोग, sec² x, और sec² x का sec किसका किसका एंटी डेरिवेटिव होता है, और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, 10x होता है ना, तो दैट इज़ 10x, और साथ में आपका एक इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट c। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।